अस्सलाम वालेकुम। स्कूल स्टूडियो 9 में आपको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी 9th रोल नंबर स्लिप के हवाले से, और वो स्टूडेंट जिनकी तैयारी बहुत ही कमज़ोर है और वीक स्टूडेंट हैं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इसको यूज़ करते हैं और आपका कोर्स भी कम्प्लीट नहीं है, आप इन स्टेप पर फॉलो करते हैं, तो इंशाल्लाह आप 90% मार्क्स ईजीली ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 9th रोल नंबर स्लिप के हवाले से बात कर लेते हैं। तो कोई स्टूडेंट ने पर्सनली बहुत से क्वेश्चन किए हैं कि सर हमारा रोल नंबर स्लिप कब तक अपलोड हो जाएगी। तो कुछ बोर्ड्स ने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिनमें लाहौर बोर्ड है, और अक्सर स्टूडेंट ने अपनी रोल नंबर स्लिप को चेक भी कर लिया है। इसके अलावा मुल्तान बोर्ड ने भी अनाउंस कर दी है, और दीगर बोर्ड जैसे ही अनाउंस करते हैं तो मैं इंशाल्लाह उनके लिए एक सेपरेट वीडियो क्रिएट कर दूंगा, या आप खुद भी बोर्ड की साइट से जाकर चेक कर सकते हैं। तो वो स्टूडेंट जिनकी तैयारी बहुत कमज़ोर है या वीक स्टूडेंट हैं और आपका कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ और अपने एग्ज़ाम के हवाले से काफ़ी कंफ्यूजन का शिकार हैं, तो जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप इस पर अमल करते हैं तो यकीनन आप चंद ही दिनों में अपने एग्ज़ाम की अच्छे तरीके से तैयारी कर लेंगे। तो मेथड ये है कि आपने 5 ईयर्स ओल्ड जो पास्ट पेपर हैं, आपने ओनली आप उनको आप रीड कर लें, चाहे मैट्रिक के स्टूडेंट हैं चाहे इंटर के स्टूडेंट हैं, आप इन पास्ट 5 ईयर्स को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, जिनमें मैंने ऑलरेडी मुल्तान बोर्ड के हवाले से वीडियो भी क्रिएट कर दी है, और अबाउट नियर 90% जो आपका पेपर आना है वो इन 5 ईयर पास्ट पेपर्स में से आना है। तो जो मुल्तान बोर्ड के हवाले से मैंने वीडियो क्रिएट की थी तो आप उसे चेक भी कर सकते हैं, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पर MCQs सॉल्वड हैं, उन्होंने जवाब जो दुरुस्त हैं और इनमें कोई भी कमी पेशी की गुंजाइश नहीं रखी गई, बोर्ड ने खुद अनाउंस किए हुए हैं, और आप उनको अच्छे तरीके से तैयार करें और इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम में 80+90 के करीब आपके मार्क्स आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की ये सिंपल सी वीडियो आप पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।